गाइस अभी हमें एंड हुआ है तमिल थलाइवास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स का मैच। हो गाइस हाफ टाइम तक तो ये लग रहा था कि यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स इस मैच को जीतेगी, बट हाफ टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे गाइस यहाँ पे जो हम राहुल चौधरी की यहाँ पे हम तारीफ करेंगे यहाँ पे डिफेंडर्स की। और गाइस यहाँ पे जिस पोजीशनिंग से टीम खेली है सेकेंड हाफ में, उसी वजह से यहाँ पे तमिल थलाइवास को जीत मिली है 28-35 की स्कोर लाइन से। यहाँ पे 28 पॉइंट थे हरियाणा स्टीलर्स के और 35 पॉइंट्स थे तमिल थलाइवास के। तमिल थलाइवास गाइस मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, पर उस हिसाब का गेम यहाँ पे नहीं दिखा पा रही थी। बट आज के मैच में राहुल चौधरी और डिफेंस ने जिस हिसाब का परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच तो राहुल चौधरी हैं, जिन्होंने यहाँ पे जो है 14 पॉइंट्स लिए अपने इस मैच में। उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो है डिफेंस में भी मनजीत चिल्लर या फिर हम बात करें मोहित चिल्लर की, तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। उसके साथ साथ अजय ठाकुर जो कप्तान है, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से भी यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें नवीन की देखने को मिली, सुनील की भी देखने को मिली, विकास खंडोला मैं मानता हूँ यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेयर थे हरियाणा स्टीलर्स की टीम के लिए। बट गाइस फिर भी फर्स्ट हाफ में गाइस यहाँ पे पहले के 10 मिनट तक बहुत ही अच्छी 15 पॉइंट की लीड बना ली थी यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स ने, बट उसके बावजूद भी उस लीड को सही तरीके से गवाया, मैं मानता हूँ उस वजह से टीम हारी। अगर टीम कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्टिंग से ही खेलती एंड तक खेलती तो गाइस यहाँ पे जो है ये टीम हरियाणा स्टीलर्स इस मैच को ले जाती। बट यहाँ पे जो है तमिल थलाइवास की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ पे रेडर्स लास्ट में चले, उसी के साथ साथ डिफेंस भी अच्छा चला, जिसके बलबूते पे जो है टीम जो है अपना मैच जो है बचा पाई। वरना गाइस अगर यहाँ पे अगर हम राहुल चौधरी की परफॉर्मेंस हटा दे तो गाइस यहाँ पे जो है टीम बिल्कुल बिखर रही थी। राहुल चौधरी ने टीम को संभाला, डिफेंस ने टीम को वापसी कराई, जिस वजह से यहाँ पे मैच जीती तमिल थलाइवास की टीम। वहीं पे हरियाणा स्टीलर्स ने छोटी सी गलती क्या करी गाइस, पॉइंट्स बहुत जल्दी यहाँ पे लूज करे, जिसकी वजह से उन्हें ऑल आउट मिला। ऑल आउट के बाद यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया टीम का, उसके बाद जो है टीम यहाँ पे मैच को लूज कर पाई। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे दोनों ही टीम्स की तरफ से मुझे अच्छा गेम प्ले दिखा। इस वीडियो में इतना लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को। मैं तो अक्षर हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।